उत्तर प्रदेश की सियासत में अब अशोक की एंट्री हो गई है। अशोक गहलोत ने यूपी सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली है। अशोक गहलोत ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मुखिया अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी को निंदनीय बताया है। सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से तत्काल दखल देकर रिहा करने की मांग की है। अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा, यूपी कांग्रेस के मुखिया अजय कुमार लल्लू को बिना गलती के गिरफ्तार कर लेना बेहद निंदनीय है। जनता की आवाज़ उठाना कोई अपराध नहीं है। अगर हर सत्तारूढ़ पार्टी यही करेगी तो इसका बेहद गलत प्रभाव पड़ेगा। एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा को तत्काल उनकी रिहाई करने के लिए दखल देनी चाहिए। अशोक गहलोत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर तीनों नेताओं को मेंशन भी किया है। कांग्रेस और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बीच प्रवासी मजदूरों को बस मुहैया कराने के मुद्दे पर सियासी जंग लड़ी जा रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि भरतपुर में खड़ी बसों को आगरा जिला प्रशासन राजनीतिक वजहों से एंट्री नहीं दे रहा है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया था कि बीजेपी प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। वहीं इस मामले पर बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने जिन बसों की लिस्ट सौंपी थी उसमें से ज्यादातर बसों के नंबर ही नहीं थे। आगरा ग्रामीण के SP ने कहा था कि इंटर स्टेट यात्रा के लिए बसों की स्थिति इजाजत देने लायक नहीं है। बता दें कि इससे पहले गहलोत सरकार और यूपी सरकार के बीच भाड़े को लेकर भी रार हुआ था और दोनों पार्टियों की ओर से जमकर बयानबाजी की गई थी। लेकिन सच्चाई तो ये है कि इन मुद्दों पर बस सियासत होती रही और ज़मीनी तौर पर गरीब असहाय मजदूरों को कुछ हासिल नहीं हुआ।